चलो तो करें स्टार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या न्यूज़पेपर का एनालाइज करते हैं न्यूज़पेपर को। तो सबसे पहले ही जो हमारे पास न्यूज़ है वो है कि इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने क्या किया है, अभी इंडोनेशिया के पास अपनी सबमरीन, ठीक है, अपनी सबमरीन को वहां पे लोकेट कर दिया है। कहां पे? साउथ चाइना सी के अंदर। मेन चीज यही है, इंडोनेशिया तो बेसिकली एक उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वहां पे। प्रॉपर तरीके से अभी हमने देखा कि इन्होंने यहां पे अपनी सबमरीन जो है वो इंडोनेशिया के वहां पे प्रॉपर तरीके से रख दी, छोड़ दी। किस लिए? ताकि ये प्रॉपर तरीके से चाइना के ऊपर नजर रख सके। डायरेक्ट वन डे एग्जाम के लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है, उस सबमरीन का नाम क्या है और ये कहां पे जो है वो लोकेट की गई है, ठीक है। तो उसका नाम आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, सिंधु केसरी। तो सबमरीन का नाम है सिंधु केसरी। सिंधु केसरी सबमरीन जो है वो इंडोनेशिया यहां पे प्रॉपर तरीके से हमने छोड़ दी। तो यहां पे आप थोड़ा सा पढ़ लो इस पे। इन द लाइन विद द एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉर्पोरेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड इंडियन नेवी, किलो क्लास जो कन्वेंशनल सबमरीन है INS सिंधु केसरी डॉक्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया। तो ये आपको पता है कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, यहां पे प्रॉपर तरीके से डॉक्ड कर दिया गया है अभी, ठीक है। और हाईली एक्सरेंसिंग दी एंगेजमेंट विद द इंडोनेशियन नेवी कंडक्टेड ड्यूरिंग दी पोर्ट कॉल। तो यहां पे बेसिकली आपने याद क्या रखना है, एक तो सिंधु केसरी का नाम याद रखना है और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि इंडोनेशिया के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्ट कर दिया गया है और मेन पर्पस क्या है इसका। और यहां पे बात की जा रही है एशियन नेशन की, ठीक है, एशियन नेशंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे बात की जा रही है कि प्रॉपर तरीके से यहां पे क्या किया गया है, इंडियन नेवी ने यहां पे, और ये जो ये वाला जो एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन में यहां पे। और दूसरी चीज यहां पे कि भाई फायदा क्या है इंडिया को, भारत को इससे फायदा क्या है, क्यों पैसिफिक ओशियन में अपनी नजर रखने के लिए यहां पे इन्होंने अपनी सबमरीन जो है वो डॉक्ट कर दी गई है। तो मोस्टली जो ट्रेड होता है भारत का 55% वो कहां से होता है, वो होता है जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, वहां से होता है। वैसे मोस्टली जो ट्रेड है इंडिया का वो सी रूट से ही होता है, 95% जो ट्रेड होता है भारत का वो होता है सी रूट से। लेकिन उसमें से भी अगर हम देखें तो 55% जो है वो जो साउथ पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी है वहां से होता है। अगर हम अभी क्या देख रहे हैं, जो साउथ ईस्ट जो नेशन है, जो आशियन जो कंट्रीज है, उनका हमेशा चाइना के साथ जो है कंफ्लिक्ट बना रहता है। कभी चाइना बोलता है फिलीपींस को कि ये आइलैंड जो है वो मेरा है, ठीक है, या फिर जापान के साथ उनके इशू जो है वो चलते रहते हैं। तो इसलिए चाइना क्या कर रहा है, उस पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए भारत ने अभी सिंधु केसरी कहां पे इंडोनेशिया के जकार्ता में प्रॉपर तरीके से डॉक कर दी है, ठीक है। और ये वेपन लेस है, ऐसे नहीं है कि खाली वहां पे छोड़ दिया ही निगरानी करने के लिए, ऐसा नहीं है, वहां पे प्रॉपर इस पे जो है वो वेपन स्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। तो INS सिंधु केसरी का नाम याद रखना है और कहां पे अभी इसको डॉक किया गया है ये भी याद रखना है। साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड जो होता है वो यहाँ यहीं से मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो इंडिया का जो टोटल जो हम ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, बाई सी रूट ही मैक्सिमम ट्रेड जो है वो भारत का होता है 95%, उसमें से भी 55% जो है वो कहां से होता है, जो साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और जो आशियंस जो कंट्री है, ठीक है, तो उनके लिए ये
मेन सी रूट है और भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आसियान की या एशियन कंट्री की अगर हम बात करें, बताओ कितने मेंबर है इस पे? पहले भी हमने डिस्कस किया है, इस पे 10 मेंबर है। कब एस्टेब्लिश किया गया है? वेरी गुड, 1967 पे जो आसियान नेशन है उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना ट्रेड से रिलेटेड पूरा काम करते हैं, जैसे जूट हो गया, चाय हो गया, स्टील, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। एशियन नेशन में 10 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर है। 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कहां पे? बैंकॉक में। बैंकॉक कहां है? कहां है बैंकॉक? थाईलैंड, थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में है बैंकॉक। तो बैंकॉक में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सारे नेशन आपको पता होना चाहिए यहां पे। और ये इंडोनेशिया आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा इंडोनेशिया है। सबसे ज्यादा जो आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं कहां पे देखने को मिलेंगे? यहीं पे इंडोनेशिया के अंदर। तो मैक्सिमम जो आइलैंड हैं वो कहां है? इंडोनेशिया। और बीच में आपको ये दिख रहा है, यहां पे ज्वाइंट सा दिख रहा है, देखो यहां पे ये वाला, ये स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है? सुंडा स्ट्रेट, ये भी याद रखना है, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट जो है वो इन दो आइलैंड को कनेक्ट करने का काम करती है। कौन कौन से ये आइलैंड है? सुंडा स्ट्रेट जो है वो किन दो आइलैंड को कनेक्ट कर रही है, बताओ? इंडोनेशिया के ही आइलैंड है, एक का नाम है जावा और दूसरे का नाम क्या है? सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। ये दोनों आपने याद रखना है, क्योंकि स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जावा हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? सुमात्रा। तो इनके बारे में, दोनों के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एशियन कंट्री क्या क्या है ये पूछा जाएगा। क्यों हमने यहां पे अभी INS सिंधु केसरी को डॉक किया है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। और यहां से भी आप देखो थोड़ी सी और यहां पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये भी हमने देख लिया अभी कि 20 फरवरी को फिलीपींस में जो 21 मरीन जो हमारे सोल्जर्स थे वहां पे ब्रह्मोस की एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ट्रेनिंग यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरी की थी। उसके बाद हमने फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बेच दी थी, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला जो हमारा ग्राहक बना था वो भी बना था फिलीपींस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा? जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो पूछी जाती है, जैसे इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर, तो अग्नि वॉरियर नाम याद रखना है, ये नेवी की हमारी एक्सरसाइज है। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नि वॉरियर जो है किन दो कंट्री के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये नेवी की है, ये भी याद रखना है, कोई आर्मी की नहीं है, ये नेवी की है। दूसरी चीज, ठीक है, हरिमऊ शक्ति, ठीक है, ये भी याद रखना है। हरिमऊ शक्ति जो है वो किसकी दो कंट्री के बीच में है? ये है मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया और इंडिया, इन दो कंट्री की आर्मी के बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए यह एक्सरसाइज जो है वो की जाती है, और ये अभी हाल फिलहाल में की गई है, इसलिए आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। डायरेक्ट ये एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। और एक और आप यहां पे याद रख सकते हो, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ भी हम करते हैं गरुड़ शक्ति, ठीक है। तो ये भी आप यहां पे याद रख सकते हो, जो गरुड़ शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्री के बीच में है? वो इंडोनेशिया और, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि ये करंट के अभी लास्ट ईयर हमने ये देखा था, ये नवंबर में हुई है, ये दिसंबर में हुई है, तो ये करंट के भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और ये एग्जाम पे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, तो एशियन कंट्रीज के बारे में भी हमने बात कर ली, और ठीक है तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस पे क्या है, यहां पे बात की गई है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की, और भारत की रैंक इस पे क्या है वो आपने याद रखना है, कौन इसको रिलीज करता है वो याद रखना है, टॉप की थ्री कंट्रीज कौन है वो आपने यहां पे याद रखना है, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज किया जाता है यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, ये इसको रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपने यहां पे याद रखना है, और इंडिया की इस पे रैंक कितनी है अभी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो 42 यहां पे रैंक है, टोटल कंट्रीज कितनी थी 55, तो 55 कंट्री में से भारत की जो रैंक आई है वो आई है 42। ठीक है, टॉप पे कौन रहा है इस पे, तो टॉप थ्री कंट्रीज आपने यहां पे याद रखनी है, टॉप थ्री कंट्रीज के नाम कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले याद रखोगे यूएस, टॉप पे आता है यूएस। ठीक है, फर्स्ट जो रैंक रही है वो रही है यूएस की, सेकंड जो रैंक रही है वो रही है यूके की, और थर्ड जो रैंक रही है वो रही है फ्रांस की। ठीक है, तो ये आपने यहां पे याद रखना है इनके बारे में, और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, एक्चुअली जिन कंट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से जो इन्वेंशन किसी ने किए या फिर कोई नई चीज बनाई, उसको गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कोई मान लो आप देखते हैं कि मान लो कोई किसी ने बुक लिख ली, कोई YouTube पे कोई गाना आ गया, ठीक है, उस पे क्या मिलता है, कॉपीराइट मिल दिया जाता है। ठीक है, ये राइट्स मिलते हैं, ट्रेडमार्क मिलते हैं, अगर कोई किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया उसके लिए ट्रेडमार्क मिलते हैं। ठीक है, और फिर क्या मिलते हैं, कोई इन्वेंशन कर दिया किसी की चीज का, कोई कुछ बना दी तो उसके लिए फिर पेटेंट मिलते हैं। तो इन सबका किसी एक कंट्री के अंदर कितना प्रॉपर तरीके से इनको रेगुलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो पर्सन इन सारी चीजों को बना रहा है, अगर उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी रैंक जो है वो बढ़िया आएगी। तो भारत में इसकी रैंक आप देख सकते हो, भारत की रैंक कितनी है, 42 रैंक है। तो इसका मतलब है यहां पे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट अभी नहीं किया जा रहा है इतनी सारी चीजों को, और टोटल इस पे जो मेंबर है 55 मेंबर है, उनमें से ही रैंक जो है वो अभी निकाली गई है। टॉप थ्री कंट्री आपने याद रखना है, कौन इसको रिलीज करता है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, छोटी सी न्यूज थी, आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी ये न्यूज जो आई है, टू एंडेंजर्ड पिंक डॉल्फिन की यहां पे बात की गई है, रेस्क्यूड फ्रॉम द शैलो कोलंबिया रिवर। देखो, यहां पे बात हो रही है पिंक डॉल्फिन की, तो पिंक डॉल्फिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपने डॉल्फिन देखी होंगी। ठीक है, बेसिकली जो डॉल्फिन होती है, जो स्लाइन वाटर होता है, मैक्सिमम हमें जो डॉल्फिन देखने को मिलती है वो समुद्र में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ डॉल्फिन होती है जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन भी होती है। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं, तो हमारा नेशनल एक्वाटिक जो एनिमल है वो कौन सा है बताओ। ठीक है, जो गंगा रिवर की डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें से वो आपने याद रखना है। और दूसरी चीज, पंजाब का भी एक एक्वाटिक एनिमल, वो कौन सा है बताओ। नेशनल एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, नेशनल तो हो गया, जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो हो गया हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल। वैसे ही एक स्टेट है जिसका नाम है पंजाब, तो पंजाब का भी अपना एक एक्वाटिक एनिमल है, तो वो कौन सा है वो बताओ। आप तो पंजाब से ही हो, सारे पंजाब से ही हैं, सारे नहीं आधे। सर डॉल्फिन ही है शायद। डॉल्फिन है, लेकिन कौन सी डॉल्फिन है?
इंडस रिवर, हाँ जी इंडस रिवर डॉल्फिन, ये है पंजाब की स्टेट एक्वेटिक एनिमल, और हमारी जो नेशनल है वो रिवर गंगा वाली है। तो ये याद रखना है आपने, जो डॉल्फिन है वो हमारे ऐसे ग्रे जैसे कलर की दिखती है, लेकिन यहाँ पे पिंक डॉल्फिन की बात हो रही है। और ये क्या है, ये भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है अमेज़न, अमेज़न डॉल्फिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो अमेज़न रिवर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलती है, अमेज़न, और जो ओरिनोको रिवर बेसिन है वहां पे हमें मैक्सिमम ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इसी को ही, जो पिंक डॉल्फिन है अमेज़न रिवर डॉल्फिन भी इसी को ही बोला जाता है। और IUCN, जैसे हमें पता है IUCN, ठीक है, IUCN की जो है वो लिस्ट जारी करता है, तो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में ये क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, ये एंडेंजर्ड, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये होगी बात इनकी। दूसरी चीज यहां से और क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे इंडस रिवर वाली जो डॉल्फिन है देख नहीं सकती है, ठीक है, अंधी होती है, देख नहीं सकती है, कैसे वो काम करती है, कैसे खाना पीना ढूंढती है अपना, ठीक है, तो वो भी साउंड वेव्स का यूज करती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तो इकोलोकेशन उसको बोला जाता है, साउंड वेव्स का पता करती है, और कोई ऑब्जेक्ट आगे आता है रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो उससे वो पता उनको चलता है कि ये हमारे खाने के लिए है कि क्या है, उस तरीके से उसको इकोलोकेशन बोलते हैं। वेट के बारे में भी आपने सुना है, चमगादड़ के बारे में, वो भी इसी तरीके से साउंड वेव्स का यूज करता है, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा ये बताओ कि जो ह्यूमन है, मतलब हम ह्यूमन है, ठीक है सारे, तो हमारे जो ऑडिबल साउंड रेंज होती है, सुनने की जो हमारी क्षमता होती है, वो कितनी रेंज होती है उसकी, बताओ, मिनिमम भी बताओ और मैक्सिमम भी बताओ। ठीक है, हाँ, तो ये होती है हमारे सुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो रेंज होती है, जो ऑडिबल रेंज होती है एक ह्यूमन की, तो मिनिमम 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 20,000 तक, इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। जो वेट होते हैं वो ज्यादा 20,000 से ज्यादा ये रेंज वाले जो फ्रिक्वेंसी जो है वो जनरेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो पूछा जाता है ये आपसे, जो अल्ट्रासोनिक, ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक उसको बोला जाता है, तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का यूज कौन करता है, बैट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 20 मान तो ये तो हो गया कि 20,000 से ऊपर की जो रेंज होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक, लेकिन जो 20 से नीचे होगी उसको क्या बोलेंगे, सुन तो इन दोनों को नहीं सकते हम, जो 20,000 से ऊपर बोलेगा उसको भी नहीं हम सुन सकते, लेकिन 20,000 से, हाँ हाँ ठीक है, इंफ्रासोनिक, तो ये दो चीज आपने याद रखना है कि 20 से कम, 20 हर्ट्ज से अगर कम होगी तो इंफ्रासोनिक उसको बोलते हैं, और 20,000 से अप जो होगी उसको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। तो दोनों चीज आपने याद रखना है, और यही काम जो है वो डॉल्फिन कर रही है, ठीक है, पिंक डॉल्फिन के बारे में आपको इतना सा आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और IUCN की जो रेड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये आती है इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये देखो इस तरीके से डॉल्फिन आपको देखने को मिलती है, जब ये छोटी होती है तो क्या होता है, हल्के पिंक कलर की होती है, लेकिन जैसे ये बड़ी बड़ी होती जाती है, और जब ये बड़ी हो जाती है तो ये डार्क पिंक कलर में ये चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी एक छोटी सी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश टू बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी. तो मुलेठी के बारे में सबने सुना होगा, खाई भी होगी. खाई है नहीं खाई है? कोरोना काल में, कोरोना जब आया हुआ था कोविड, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काढ़े पिए गए थे, उसमें से मुलेठी डाल के बढ़िया तरीके से. भाई मुलेठी डाल डाल के पियो, क्या रहेगा, गला वाला जो है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा. नहीं, नहीं पिया था. चलो, इतनी सी चीज आपने याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में अभी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्या किया जाएगा, मुलेठी की कल्टीवेशन अभी किया जाएगा, ये याद रखना है. और हिमाचल ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है. मुलेठी कहां कहां हमें देखने को मिलती है? तो ऐसा नहीं है कि ये भारत के अंदर ही और हिमाचल में ही मिलेगी, ऐसा नहीं है. जो इसका कल्टीवेशन जो है पंजाब के अंदर भी किया जा रहा है, और पंजाब और हिमालयन का जो सब रीजन है, ठीक है, हिमालयस का जो सब रीजन है वहां पे इसकी कल्टीवेशन जो है वो की जाती है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज हैं, इनके अंदर भी मुलेठी जो है वो, इनका प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है. और मुलेठी को और एक नाम से जाना जाता है, कॉमनली नोन एज, क्या बोला जाता है इसको, एक, ठीक है, लिकोराइस नाम से भी इसको जाना जाता है मुलेठी को, ठीक है. जो ग्लिसरेहाइजीन नाम का एक एलिमेंट इसके अंदर मिलता है, ठीक है. मुलेठी खाई है? खाई है किसी ने मुलेठी? मीठी होती है, मीठी होती है ना, ठीक है. तो जो मिठास जो होती है, जो स्वीटनेस उसके अंदर होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो इसी की वजह से होती है, ठीक है. ये स्वीटनेस के लिए जाना जाता है, ठीक है. तो ये ग्लिसरेहाइजीन के बारे में आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट ऐसे साइंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फ्रक्टोज आपने सुना है, ठीक है, सुक्रोज सुना है, ये किस लिए है? ये भी अपने स्वीटनेस के लिए जाने जाते हैं. जो सुक्रोज है उससे 50 गुना ज्यादा स्वीटनेस जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है, जो ग्लिसराइजीन है, ठीक है. तो जैसे फ्रक्टोज और सुक्रोज से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस लिए जाने जाते हैं, अपनी स्वीटनेस के लिए जाने जाते हैं, पहचान होती है, ठीक है. जैसे हनी है, हनी में फ्रक्टोज की बात की जाती है, तो वैसे ही आपने यहां पे याद रखना है कि ये 50% ज्यादा जो है वो स्वीटनेस इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है. ये एक नेचुरल हर्ब है, जड़ी बूटी है, ये भी याद रखना है, जड़ी बूटी है ये कोई. और दूसरी चीज आपने यहां से क्या रखनी है इसके बारे में, आप इसमें देखो, अगर कोई चीज करंट में आती है तो कुछ भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है. आयुर्वेद, आयुर्वेद वेदों के बारे में तो आप जानते ही हैं, वेद हैं, उनके फिर उपवेद आते हैं, तो उपवेद हैं, एक उपवेद का नाम है आयुर्वेद. तो आयुर्वेद में जो मुलेठी है उसको किस नाम से जाना जाता है? यष्टि मधु, ठीक है, यष्टि मधु के नाम से जाना जाता है मुलेठी को आयुर्वेद के अंदर. मधु क्या होता है? शहद ही होता है, ठीक है. तो ये भी आपने यहां पे इसके बारे में याद रखना है. और एक और चीज, क्या पता वही पूछ लिया जाए आपके एग्जाम से, बढ़िया तरीके से अगर आप इसको खाओगे तो ये वेट लॉस करने का भी काम करता है, ठीक है. इसके अंदर क्या है ऐसी चीज जो कि वेट लॉस करवाएगी, जिसको हम अगर हम खाएंगे तो वो है फ्लेवोनाइड, ठीक है. जो फ्लेवोनाइड है इसका काम क्या होता है? ये वेट लॉस करना इसका काम होता है, ठीक है. तो मुलेठी के गुण आपको पता लग गए, और किस नाम से इसको जाना जाता है ये भी पता लग गया, क्या क्या इसके अंदर जो चीजें हैं वो पाई जाती हैं वो भी आपको पता लग गया, और इनका काम क्या है. देखो ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भाई मुलेठी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है. जो हमने एलिमेंट पढ़े, जैसे फ्लेवोनाइड हो गया, ठीक है, और दूसरी चीजें पढ़ी हमने, ग्लिसराइजीन हो गया,
ठीक है, इनका काम आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका पर्टिकुलर जो ये एलिमेंट्स हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और आपने प्रॉपर तरीके से इसका आंसर जो है वो देना है। और हिमाचल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेट अभी बन गया है जो कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अभी कल्टीवेशन करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है यहां पे है यूपीआई और पे नाउ के लिंक के बारे में यहां पे बताया गया है। सिंगल, जैसे हम यहां पे यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई यूपीआई की फुल फॉर्म बताओ पहले जल्दी से। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से यूपीआई के थ्रू सबकी यूपीआई आईडी होती है, चाहे हम गूगल पे से करें, पेटीएम, ठीक है, ये सारी चीजें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं मोबाइल के थ्रू तो वो हम करते हैं यूपीआई के थ्रू। तो पे नाउ ये किसका है, ये भी आपने याद रखना। जैसे हम यहां पे करते हैं यूपीआई का यूज, तो पे नाउ किया जाता है सिंगापुर के अंदर। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पे नाउ जो है वो कहां पे यूज किया जाता है, तो सिंगापुर के अंदर। तो यहां पे अभी इनको लिंक कर दिया गया है, तो उसके बारे में यहां पे बताया गया है कि अगर ये पर्सन टू पर्सन का इस तरीके की फाइनेंशियली सपोर्ट देने वाला जो पहली कंट्री बनी है वो बनी है सिंगापुर। मतलब इस तरीके से हमने जो मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा दी गई है, जैसे यूपीआई को पे नाउ के साथ हमने ज्वाइंट कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, आपको पता है कि बाहर से जो पैसा आ रहा है हमारे पास, जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, सिंगापुर से भी बहुत पैसा आता है। कितना पैसा आता है, 5.7% जो रेमिटेंस आता है वो सिंगापुर से भारत में आता है। सबसे ज्यादा कहां से आता है बताओ, सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस भारत के अंदर आता है वो कहां पे आता है, यूएसए, यूएसए, ठीक है, यूएसए से सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो भारत के अंदर आता है। सिंगापुर हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस से भी जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं सिंगापुर जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए भी बहुत सारे लोग गए हैं। तो जो पैसा, जो ट्रांजेक्शन जो की जाती थी पहले रेमिटेंस के थ्रू, तो उसका पेपर वर्क जो है वो ज्यादा होता था। लेकिन अब क्या है, इस तरीके की कनेक्टिविटी अगर बढ़ गई है तो प्रॉपर तरीके से इसको क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, टाइम की भी बचत होगी, बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा और पैसा जो है वो भारत के अंदर भेजा जाएगा। तो इतनी सी आपने छोटी मोटी बातें जो है वो इसके बारे में याद रखना है, पे नाउ के बारे में आपने याद रखना है कि ये है क्या, ठीक है, और कितना रेमिटेंस जो है वो यहाँ आता हुआ आता है, ठीक है। तो यही इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली बात की गई है। चलो अगली जो न्यूज है, क्या न्यूज है हमारे पास, टर्म ऑफ लॉ कमीशन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 24 तक। तो जो लॉ कमीशन है अभी उसका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है 2024 तक, अगस्त तक, ठीक है। तो यही यहां पे बात की गई है इस आर्टिकल में, लेकिन आपसे ये थोड़ी ना पूछा नहीं जाएगा कि भाई कितने कब तक इसका टेन्योर जो है लॉ कमीशन का बढ़ा दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए लॉ कमीशन के बारे में कि लॉ कमीशन होता क्या है, फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था, अभी ये जो लॉ कमीशन चल रहा है जिसका जो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है अगस्त 24 तक, तो ये कौन से नंबर का है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉ कमीशन क्या है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसका काम है एडवाइस देना, ठीक है। तो अभी जो लॉ कमीशन चला हुआ है तो ये जो है वो कौन से नंबर का है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है 22वें नंबर का है लॉ कमीशन अभी चला हुआ है। फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना था वो कब बना था वो भी आपने याद रखना है। जो फर्स्ट लॉ कमीशन हमारा आया था वो कब आया था, वो आया था 1834 के अंदर, और इसके चेयरमैन कौन थे, तो इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो ये भी आपने यहां पे याद रखना है, जो फर्स्ट लॉ कमीशन आया था वो आया था कब, 1834 में, अंग्रेजों के टाइम पे लॉर्ड मैकॉले थे इसके चेयरमैन, फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन।
हम आजाद हो गए 47 के अंदर, ठीक है, रिपब्लिक भी बन गए 50 के अंदर। और उसके बाद जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉ कमीशन आता है वो कब आता है, वो आता है 55 के अंदर, ठीक है, 1955 के अंदर आता है हमारा लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी याद रखना है। तो इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे इसके सी शीतलवाड़। ऐसे करके तो नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे दिख रहा है ना, तो ये भी आपने याद रखना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं थोड़ा आपका रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपने पढ़े भी होंगे ये, तो आप लोगों को पता होना चाहिए लॉ कमीशन के बारे में। और जैसे फाइनेंस कमीशन की हम बात करते हैं, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से सब कुछ मैंने आपको बता दिया गया था, विद आर्टिकल मैंने आपको बताया है, काम से आर्टिकल के अंदर ही आता है सब कुछ। लेकिन जो लॉ कमीशन है ये कोई स्टैट्यूटरी और ना कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिर्फ ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और एक एडवाइजरी बॉडी है। और इसको इस्टेब्लिश करने का जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इसको इस्टेब्लिश करती रहती है, ठीक है। और लेकिन इसको इस्टेब्लिश जो किया गया था वो कौन से आर्टिकल के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था? डीपीएसपी, आपको पता है डीपीएसपी जो पावर देता है गवर्नमेंट को कि आप इन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ एक बॉडी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, लॉ बना सकते हो, ठीक है। तो 39A आर्टिकल है, 39A याद रखना है इसके बारे में भी, आर्टिकल 39A डीपीएसपी आपको पता है। ये क्या पावर देता है? ये पावर देता है, और इस पे क्या है, क्या लिखा गया है आर्टिकल 39A में? ये बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो होनी चाहिए सबके लिए, फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और जो जस्टिस दिया जाना चाहिए वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो इसी के बेस पे इस्टैब्लिश किया गया था लॉ कमीशन, ठीक है। और आपने याद रखना है फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था, उसके चेयरमैन कौन थे, और उसके बाद जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉ कमीशन आया था 1955 के अंदर, वो भी आपने याद रखना है, इसके चेयरमैन कौन थे, शीतलवाड़ इसके चेयरमैन थे। और अभी वाला जो लॉ कमीशन चला है 22वें नंबर का, इसके चेयरमैन कौन, तो ये भी आपने याद रखना है, ऋतु राज अवस्थी, ये इसके चेयरमैन है जो अभी का चला हुआ है, ठीक है। तो ये आपने यहां पे याद रखना, इनका नाम ये लिखा हुआ है यहां पे, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी जो है वो 22वां नंबर का जो अभी लॉ कमीशन चला है इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी चाहिए। और जैसे ही लॉ कमीशन रिपोर्ट देता है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये एडवाइस करता है, जैसे कुछ फेमस इसकी एडवाइस की थी गवर्नमेंट को कि जो डेथ पेनल्टी है वो उसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ एक हीनियस क्राइम हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, उसके अंदर ही आपको डेथ पेनल्टी जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जो साइमल्टेनियसली जो इलेक्शन है जिसकी बातें अभी तक की जा रही हैं, इसका मतलब होता है कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, इसके इलेक्शन जो है वो एक साथ करवाने चाहिए, ठीक है। समय की बचत होगी, ठीक है, पैसे की बचत होगी, ये इनकी रिकमेंडेशन है। लेकिन ये बहुत, जैसे आज जैसे, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम आज के हॉट इशू बना हुआ है वो भी एक, ठीक है, समान जो नागरिक संहिता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी उसी की रिकमेंडेशन थी कि ऐसा कंट्री के अंदर होना चाहिए। और ये सिर्फ एडवाइस करने का काम करता है, बाकी इसका कुछ काम नहीं है, ये फिर गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो लॉ कमीशन के बारे में आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए, कब कब लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किए गए थे और लॉ कमीशन का काम है क्या। ओके, ठीक है, तो इतनी सी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कब कहां इसका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है ये भी आपने याद रखना है इसके बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, चलो
वायु लिंक प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है इस न्यूज पे। वायु लिंक प्लेटफॉर्म क्या है? वायु लिंक प्लेटफॉर्म क्यों ये न्यूज पे है? तो इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली डेवलप्ड एन इंडिजिनस वायु लिंक प्लेटफॉर्म टू अनेबल जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन, ठीक है, विद द बेस स्टेशन। ठीक है, तो यहां पे बात की जा रही है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इस तरीके से एक जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन बनाया है जिसको बोला है इन्होंने वायु लिंक। ठीक है, तो इसी की आपने याद रखना है कि किसने इसको डेवलप किया है। तो वायु लिंक इज एन एडहॉक डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट वुड विल हेल्प पायलट डील विद बैड वेदर एंड प्रोवाइड जैमर प्रूफ जो इंटरप्टेड कम्युनिकेशन है, ठीक है, विद द बेस स्टेशन। बेस स्टेशन आपको पता है नीचे होता है बेस स्टेशन, ठीक है, और जो पायलट है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते रहते हैं उस पर। तो वेदर जैसे खराब होता है तो उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती थी या फ्रीक्वेंसी जो है वो कमजोर हो जाती थी। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए, इन्हीं सारी चीजों से निपटने के लिए वायु लिंक जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कि प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा, ठीक है, और इसको डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स ने। तो ये भी आपने यहां पे याद रखना है। और ये यूज क्या करता है? इट यूज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको IRNSS कहा जाता है टू सेंड रेडियो कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन व्हेन द सिग्नल आर लो। ठीक है, तो इस तरीके से सैटेलाइट जो हमारे ऊपर घूम रहे हैं उनके साथ ये कनेक्टेड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो क्यों किया जाता है ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, और ये बेटर जो है वो कॉम्बैक्ट टीमिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और इट प्लान्स रियल टाइम बेसिस वेयर मल्टीपल टीम्स कैन गेट टुगेदर एंड गो फॉरवर्ड द टारगेट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया। इट कैन आल्सो गिव द पायलट्स डाटा ऑन द वेदर। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में कि वायु लिंक है क्या। ठीक है, अगला पढ़ते हैं इंडियन पेंगुलिन के बारे में। ठीक है, पेंगुलिन ऐसा दिखता है, देखा होगा आप लोगों ने पहले भी। तो इंडियन पेंगुलिन की बात यहाँ पे की जा रही है, क्यों ये न्यूज पे है अभी देखते हैं। और पेंगुलिन क्या है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रैफिक जिसको बोला जाता है, रिसेंटली रिपोर्टेड दैट, तो 1203 आप देख सकते हैं, पेंगुलिन हैड बीन फाउंड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम 2018 से सॉरी 22 तक। तो ये न्यूज पे इसलिए आया कि जो ट्रैफिक है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट पे इन्होंने कहा कि 2018 से 22 तक जो इंडियन पेंगुलिन है उनका इलीगल जो है वो ट्रेड किया गया है। तो आपको आप पेंगुलिन के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन पेंगुलिन के बारे में। तो इसको थिक टेल्ड पेंगुलिन भी कहा जाता है एंड स्कैली जो एट्रेक्टर कहा जाता है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ पेंगुलिन। ठीक है, तो जितनी भी पेंगुलिन की 8 स्पीसीज है उनमें से एक है इंडियन पेंगुलिन। ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट जो ट्रैफिक्ड मैमल्स हैं वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जिनका ट्रेड जो है वो इलीगल तरीके से किया जाता है उनमें से एक है इंडियन पेंगुलिन। ये आपने याद रखना है, और इसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बैन है, वो इलीगल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इंडिया के अंदर पाया जाता है, साउथ ऑफ हिमालयास के अंदर देखने को मिलता है, बंगाल, फिर सदर्न नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के भी कुछ पार्ट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, और रहता कहां पे है ये? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, ओपन लैंड, ग्रासलैंड और डिग्रेड हैबिटेट। ठीक है, क्लोज्ड जो प्रॉक्सिमिटी विलेज है यहां पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है। द इंडियन पेंगुलिन्स एमर इज जो अमंगस द मोस्ट इफेक्टिव इन द जो मैमिलियन बॉड, इट हैज अराउंड 13 रो ऑफ द मूवेबल शार्प स्केल जो अभी हमने देखा इसके ऊपर। ठीक है, कि भाई किस तरीके से इसकी जो शेप बनी हुई है, ठीक है, ये सारी संरचना या फीचर हमें इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। द कलर ऑफ इट्स स्केल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द अर्थ, इट इज
सराउंडिंग, इट कैन बी कॉल सेल्फ इनटू द वॉल एट सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर्व कर लेता है अपने आप को जब ये सेल्फ डिफेंस करता है। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपने याद रखना है, जो IUCN है इसकी रेड लिस्ट के अंदर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है इसमें ये शेड्यूल 1 में आता है, और जो CTs है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करता है उसकी भी ये अपेंडिक्स फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो इंडियन पेंगुलिन है इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, IUCN का और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में, और सिटीज की जो कैटेगरी दी गई है तीन टाइप की यहाँ पे बांटा गया है सिटीज का, अपेंडिक्स 1, 2 और 3। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये कर्ल हो जाता है जब इसको अपनी सेल्फ डिफेंस करनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं शिंकुला टनल के बारे में। शिंकुला टनल कहाँ पे है ये भी, तो यहाँ पे क्या है, The Union Cabinet recently gave its nod for the construction of the Shinkula Tunnel to provide all weather connectivity to the border areas of Ladakh. ठीक है, तो all weather connectivity करवाने के लिए यहाँ पे proper तरीके से Shinkula Tunnel को यहाँ पे बोला गया है कि जो BRO है, ठीक है, Border Road जो organization है वो proper तरीके से इसको बनाएगी। तो आपने यहाँ पे देखना है कि ये हम देख सकते हैं कि ये 16,500 यहाँ पे फीट की हाइट पे देखने को मिलेगा, और जो निमू पदम दारचा रोड लिंक है इस रोड लिंक पे ये टनल जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, और ये बॉर्डर बिटवीन द लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। 4.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, द ट्रैफिक मूवमेंट इन द टनल विल नॉट बी vulnerable to long range artillery shelling missiles firing, ठीक है, जो frings in the China and Pakistan. Purpose क्या है इसका, all weather connectivity जो है वो border area के अंदर लद्दाख के अंदर provide करवाना है proper तरीके से। ठीक है, तो यही यहाँ पे basically आपने Shinkula tunnel के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है और क्यों बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं जो NEFT and RTGS के बारे में, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। ठीक है, जिन्होंने कॉमर्स जो है वो पढ़ा है। ठीक है, तो एक तो फुल फॉर्म इनकी पूछी गई है पहले भी, अभी भी पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि जो NEFT है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसको बोला जाता है नेफ्ट को, और RTGS को बोला जाता है रियल टाइम जो ग्रॉस सेटलमेंट है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं NEFT के बारे में, नेफ्ट के बारे में, ये क्या है। विच स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन। यह हमें पता है कि NEFT और जो RTGS है इसका हम काम जब हम ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो इन दो मीडियम का हम यूज करते हैं। ठीक है, बैंकों में आप जाते हैं पैसा वैसा भेजते हैं इधर उधर को, ठीक है, तो देते हैं पैसा कि भाई इस अकाउंट से इस अकाउंट में डाले जाए, तो वहां पे जनरल जो यूज किया जाता है मीडियम वो होता है कौन सा, ये वाला। ठीक है, NEFT वाला। ठीक है, क्या होता है इस पे, मोस्ट इंडियन बैंक्स प्रोवाइड द NEFT फीचर्स ऑन इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इट अनेबल्स ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम द अकाउंट मेंटेन्ड विद एनी बैंक्स टू एनी अदर बैंक ब्रांच। प्रोवाइड द ट्रांजेक्शन इज एन अटेम्प्टेड बिटवीन द बैंक्स दैट पार्टिसिपेट इन द NEFT पेमेंट सिस्टम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांजेक्शन मेड थ्रू NEFT डू नॉट टेक प्लेस इन रियल टाइम। ठीक है, जब भी आप पैसा भेजते हैं बैंक से, आप गए होंगे, पैसा वैसा दिया होगा किसी को, भेजा होगा, तो ऐसा थोड़ी कि बैंक में पैसा दिया और वो तुरंत पहुंच गया उसके अकाउंट में, टाइम तो लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो NEFT से भेजा गया अगर पैसा होगा वो रियल टाइम नहीं होगा, मतलब एकदम वो आपके या जिस भी अकाउंट में आपने पैसा भेजा होगा वो रियल टाइम, मतलब उसी टाइम वो नहीं पहुंचेगा।
थोड़ा बहुत उसके ऊपर टाइम जो है वो लगेगा, तो इसी को हम बोलेंगे एनईएफटी जो मीडियम है। ठीक है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट पूछी जाती है। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस द पेमेंट मेड बी बाय एनईएफटी ए प्रोसेस एंड दिस टोटल हाफ आवर हावरली बैचेस, और एनईएफटी जो है वो काम करेगा यहाँ पे 24/7। हम देखते हैं कि रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी पेमेंट जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम उस पे लग सकता है, कोई संडे वनडे इस पे नहीं होता है, वीक के सातों दिन जो है वो चलता रहता है, प्रॉपर तरीके से काम जो है वो इस पे होता रहता है। ठीक है, और इस पे आप एक रुपया भी भेज सकते हो और मैक्सिमम भी इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, एक रुपये से लेके आप कितना भी पैसा जो है वो इसके थ्रू जो है वो एनएफटी के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, मनी ट्रांसफर मेड थ्रू एनएफटी डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉस्ट, कुछ भी इस पे एडिशनल कॉस्ट जो है वो नहीं लगती है, तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। आरटीजीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए, रियल टाइम जो ग्रॉस सेटलमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर रियल टाइम विदाउट एनी डिले, नाम से ही पता लग रहा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, जैसे ही पैसा डाला इस मीडियम के थ्रू अगर भेजा गया होगा तो उसी टाइम जो है वो दूसरे अकाउंट में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम रियल टाइम बोलते हैं, ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ हाई वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं जो इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी काम करेगा बढ़िया तरीके से, पूरे सातों दिन यहाँ पे काम करेगा, लेकिन जो इसकी मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू होगी वो 2,00,000 रुपया है। 2,00,000 रुपए से ज्यादा वाली जो अगर ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तब आप करेंगे कौन से, आरटीजीएस के थ्रू। ठीक है, अगर 2,00,000 से कम है तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एनईएफटी के बारे में हमने पढ़ा 1 रुपए से भी आप वहां पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो लेकिन आरटीजीएस में नहीं कर सकते हो। रियल टाइम में पैसा तो पहुंचा देगा लेकिन जो मनी होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए वो 2,00,000 से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपने यहां पे दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं यक्षगान के बारे में। ठीक है, क्यों ये न्यूज पे है, तो बात की जा रही है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज expressed deep grief over the demise of noted Yakshagana playback singer है श्री बालिका, जो बालिपा नारायणा जो भागवता है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, प्लेबैक सिंगर है थी जो बालिपा नारायणा नारायणा। ठीक है, तो अभी आपने क्या पता होना चाहिए, यक्षगान के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या है, कहां ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। तो मोस्टली ये क्या है, एक ट्रेडिशनल फोक डांस है फ्रॉम पॉपुलर, जो कर्नाटका के अंदर ये पॉपुलर है यक्षगान। ठीक है, इट इज रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो यक्षगान के अंदर, अब यक्षगान से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, अब ये डांस है कि क्या है। ठीक है, या फिर कोई ये सॉन्ग है, यक्षगान गान से पता लग रहा है कि भाई कोई सॉन्ग वॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, जो यक्षगान है वो कॉम्बिनेशन है डांस का, म्यूजिक का, सॉन्ग का। ठीक है, और इसपे जो है वो डायलॉग बोले जाते हैं। ठीक है, और कलरफुल जो है वो कॉस्ट्यूम वगैरह बढ़िया तरीके से पहने जाएंगे और इसपे बोला जाता है, क्योंकि यहां से यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन जो है वो यक्षगान से रिलेटेड पूछ लिया गया था, यही पूछा था, उसपे जो था वो इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई थी कि बताओ अब कौन सा ये परफॉर्म किया जाता है, कि भाई जहां पे इस तरीके से डांस भी किया जाता है और कुछ डायलॉग भी बोले जाते हैं। ठीक है, और एक चीज उस पर पूछा गया था कि मोस्टली इस पे जो महाभारत है और जो रामायण है इसके डायलॉग जो है वो मोस्टली यहाँ पे बोले जाते हैं और उन्हीं डायलॉग्स के ऊपर परफॉर्म भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे ट्रेडिशनली मैन जो पोर्ट्रे आर्ट रूल्स इंक्लूडिंग द फीमेल वंस थ्रू वुमेन्स आर नाउ पार्ट ऑफ यक्षगाना। पहले ये होता था कि मोस्टली जो परफॉर्म किया जाता था यक्षगान वो मोस्टली जो मैन होते थे उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता, लेकिन अब जो है वो वीमेन्स भी इसको पार्टिसिपेट करती हैं इस पे। तो यहाँ पे जो होते थे 15 से 20 एक्टर जो है वो काम करते थे और एक जो होता था वो होता था भागवता, जो कि यहाँ पे
रोल, मेन रोल यहां पे प्ले करता था, जो कि यहां पे डायलॉग्स बोलता था, किसके? रामायण और महाभारत के, उसको बोला जाता था क्या? भागवता। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और दूसरी चीज याद रखनी है कि ये महाभारत और जो रामायण है इसके डायलॉग यहाँ पे मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बजाए जाते हैं, हारमोनियम, मेडल, तबला वगैरह और ड्रम्स वगैरह यहाँ पे बजाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, ये ड्रेस प्रॉपर तरीके से ये पहनी जाती है। ठीक है, कॉस्ट्यूम यूज्ड इन यक्षगाना आर वेरी यूनिक एंड एलिबरेट। लार्ज साइड जो हेडगियर है वो देखने को मिलता है, इस तरीके से मुकुट जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है, पैरों के अंदर इस तरीके से घुंघरू जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर से आप इसको देख सकते हो कि क्या क्या चीजें जो है वो यक्षगान के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। और दूसरी चीज आपने याद रखना कि यक्षगान में होता क्या है, महाभारत और रामायण के डायलॉग्स के ऊपर इस पे मेनली परफॉर्म किया जाता है, और कौन से स्टेट के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है ये भी आपने याद रखना है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत बार न्यूज में रहता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे भी गए हैं, तो एनजीटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, और अभी ये न्यूज पे क्यों है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर फाइन जो है वो लगाया गया है, फॉर डैमेज कॉजिंग फॉर द एनवायरमेंट ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर एनजीटी ने फाइन लगाया है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं किया गया है, इसलिए ये न्यूज पे है। तो एनजीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी क्या है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब इसको बनाया गया था ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसको बनाया गया था, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आता है 2010 के अंदर, 2010 के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस। ठीक है, जो मेन जो हेडक्वार्टर आप समझ लो इसका कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन इसकी चार और ब्रांचेस भी हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए, पुणे हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, तो यहाँ पे हमें इसकी और ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, फाइन वाइन भी ये लगाता है। द ट्रिब्यूनल कंप्राइज द चेयर पर्सन, द जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। ठीक है, तो ये सारे जो है वो एक कमेटी होती है ट्रिब्यूनल की, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, एक चेयरमैन होगा, ठीक है, जुडिशियल मेंबर होंगे, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स का पैनल हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पे हम देखते हैं, दे शैल होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 ईयर एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर, जो री अपॉइंट के लिए ये एलिजिबल नहीं होते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है ये 5 साल का होता है, दोबारा से इनको नहीं चुना जा सकता है, ये याद रखना है आपने। जो चेयर पर्सन होता है एनजीटी का, उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो सीजीआई है इससे विचार विमर्श किया जाता है, कंसल्टेशन की जाती है, उसके बाद जो है वो चेयरपर्सन को, एनजीटी के चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सिलेक्शन कमेटी शैल बी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, जो है वो एक कमेटी एस्टेब्लिश की जाएगी, वो इनको बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, देयर आर टू बी एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम ऑफ 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स जो है वो इस पे आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 10 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 20 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए। पावर क्या है इनकी, established for effective and expeditious disposal of case relating to environment protection, ठीक है, conservation of forest and other natural resources। तो main काम इस NGT का यही है। ठीक है, green से ही हमें पता लग रहा है कि environment protection की बात यहाँ पे की गई है, conservation की बात की गई है, और main काम इसका यही है। 2010 के अंदर इसको establish किया गया था। ठीक है, ये एक statutory body है, कौन चेयरपर्सन इसको अपॉइंट कर सकता है,
ठीक है, मिनिमम मेंबर्स जो है वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ ली और इन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इनको भी आप जानते हैं, सुना होगा नाम, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में जो ये इन्होंने शहनाई ली हुई है इसके लिए ये फेमस है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान किससे रिलेटेड है, शहनाई से, शहनाई वादक थे ये। तो अभी जो है वो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर प्रेजेंटेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार, ठीक है, एट कहां पे, मेघदूत थिएटर है जहां न्यू दिल्ली के अंदर, यहां पे इन्होंने क्या किया है, ये पुरस्कार जो है वो प्रेजेंट किए हैं। तो युवा पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार गिवन टू आर्टिस्ट अप टू एज ऑफ 40 इयर्स, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 2006 से ये पुरस्कार जो है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, और 40 साल तक ये दिए जाते हैं, और जिन्होंने बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है म्यूजिक के फील्ड में, डांस की फील्ड में और ड्रामा की फील्ड में, उनको ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये अवार्ड जो है वो कौन देता है, प्रेजेंटेड बाय संगीत नाटक अकेडमी, तो ये भी आपने याद रखना है, संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। ठीक है, और पैसे वैसे अगर आपसे पूछे जाए तो 25,000 रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर यह प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में आपको पता है, अभी हमने देखा ये शहनाई के उस्ताद थे, म्यूजिशियन थे शहनाई के बारे में। इट वाज उस्ताद बिस्मिल्ला खान हु आल्सो प्लेड एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है 50 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से अपनी शहनाई जो है वो बजाते हैं। बिस्मिल्ला खान वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस जो लिंकन सेंटर हॉल है यूएसए का, वहां पे भी इनको बुलाया गया था और बोला गया था परफॉर्म करने को। ठीक है, पहले बंदे हैं ऐसे ही, तो आप लोगों ने याद रखना इनके बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट किया जाता है संगीत कला अकेडमी ये अवार्ड, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। संगीत नाटक अकेडमी इज इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। इट वाज क्रिएटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आता है रेजोल्यूशन, उसके बाद इसको क्रिएट किया जाता है विद डॉक्टर पी वी राजमन्नार एज द फर्स्ट चेयरमैन थे इसके। ठीक है, प्रेजेंटेड इज द ऑटोनोमस बॉडी है ये, और काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एंड इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, गवर्नमेंट के अंडर ये काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये काम करती है, और पैसा वैसा जो है वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करवाती है। अगला जो न्यूज है हमारे पास वो है फाइंडर डिवाइस के बारे में। फाइंडर डिवाइस क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कुछ ना कुछ फाइंड करेगा। ठीक है, तो क्यों ये न्यूज पे है और ये डिवाइस क्या है, किसने इसको बनाया है, तो नासा ने इसको डेवलप किया है, याद रखना है, डेवलप्ड बाय नासा। ए टेक्निकली दैट ए टेक्नोलॉजी दैट कैन रिमोटली डिटेक्ट द जो tiniest motions of the body that will be used by disasters relief teams in earthquake strike, हमें देखने को मिली है टर्की के अंदर। तो बेसिकली इसको बनाया गया है कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, हमने देखा कि बहुत सारे लोग टर्की एंड सीरिया के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के मलबे के नीचे जो है वो दब गए। ठीक है, ठीक है, हाँ, जो अर्थक्वेक आया था, तो नासा ने ऐसा डिवाइस अभी बनाया है जिस जो क्या काम करेगा, वो उन्हीं लोगों की पहचान करेगा जो किसी मलबे के अंदर दब गए हैं, वो फाइंड करने का काम करेगा कि हाँ यहाँ पे जो है वो नीचे लोग जो है वो दबे हुए हैं। ठीक है, तो उसी को बोला गया है फाइंडर डिवाइस। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो, एक तो फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जा सकती है कि फाइंडर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइंडिंग इंडिविजुअल फॉर डिजास्टर एमरजेंसी रिस्पॉन्स पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या कैसे काम करे? यूज माइक्रोवेव राडार सेंसर टू फाइंड सर्वाइवर अंडर नियर दी रबल। ठीक है, इट वॉज डिजाइंड टू डिटेक्ट ए ह्यूमन हार्ट बीट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट बीट को डिटेक्ट करेगा। वॉर इट, जो कि यहाँ पे हमें 30 फीट ऑफ दी रबल हमें ढेर के पास ये देखने को मिलेंगे, नीचे दबे हुए होंगे 30 फीट के आसपास, तो उनके हार्ट बीट को डिटेक्ट करेगा भाई, हाँ यहाँ पे जिंदा लोग जो है वो है, फिर वहां से उनको बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये फाइंडर जो है वो नासा ने डेवलप किया है। क्या काम है इसका, ये सारी चीजें अभी हमने देख ली। ठीक है, फाइंडर लुक्स फॉर चेंजेस इन द रिफ्लेक्शन दैट इंडिकेट मूवमेंट एंड देन चेक टू सी इफ दोज मूवमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड जो रेस्पिरेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहां पे याद रखनी है इसके बारे में। लास्ट न्यूज पे है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट ये न्यूज पे था, क्यों न्यूज पे है? तो यहां पे हम देख सकते हैं, रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्ट्रेस होती है चूज टू मैरी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, 1954 के अंदर इसको लाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट को। जनरली हम देखते हैं शादीवादी जो होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, मुसलमानों का है तो मुस्लिम जो एक्ट है, ठीक है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, फिर पारसी पारसी जो हमने शादी देखी थी, क्रिश्चियन और क्रिश्चियन का अलग से है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले भी, मैंने आपको एक आर्टिकल के दौरान ये सारी चीजें बताई थी। तो स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था 54 के अंदर, तो उसपे ये होता है कि अगर लड़का जो है या लड़की किसी दूसरे डिफरेंट टाइप की कास्ट से रिलेटेड हो, तो अगर उनकी शादी अगर करवानी हो तो वो करवाई जाती है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, अलग अलग कास्ट के लोग अगर शादी करते हैं तो उनको उनकी शादी जो करवाई जाती है वो करवाई जाती है जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वाला है। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और ये पास कब हुआ था पार्लियामेंट में, तो ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी 1954 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये गवर्नर इस सिविल मैरिज पेयर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जो जिनकी शादी अभी हुई है, जानते हैं आप लोग इनको, तो जानते हैं नहीं जानते हैं, ये मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस पे आया हुआ था, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रिलीजियस कोड ऑफ मैरिज। ठीक है, तो इस पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से समझाया था, जैसे हम समझते हैं आगे यहाँ पे, जैसे दिस लॉ सच एज द मुस्लिम मैरिज एक्ट आता है 94 एंड हिंदू मैरिज एक्ट 55 वाला रिक्वायर्स इदर स्पोज टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अदर बिफोर मैरिज। इन द इंडियन सिस्टम बोथ सिविल एंड रिलीजियस मैरिज आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट कास्ट के हैं, इंटरफेथ और इंटर कास्ट कपल्स विदाउट देम गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी और रिस्टोरिंग टू कन्वर्जन, तो इसी के थ्रू शादी जो है वो उनकी करवाई जाती है। ठीक है, अलग से स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कब ये आया था। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि हु कैन गेट मैरिड अंडर दिस स्पेशल मैरिज एक्ट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि द एक्ट एक्सटेंड्स टू द पीपल ऑफ द फेथ इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, जो कि इंडिया के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जो लड़का है उसकी एज है 21 एंड जो फीमेल है उसकी एज है 18। ठीक है, एज सेम ही है। फिर यहां पे बात की जा रही है, हाउएवर वंस मैरिड एज पर द सेकुलर लॉ अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट एंड मेंबर ऑफ एन इंडिविजुअल फैमिली हु प्रोसेसेस द हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन रिलीजन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट देयर
जो सिवरेंस एंडिंग जो कनेक्शन है फॉर्म दी फैमिली। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में याद रख सकते हो, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द सिविल मैरिज के बारे में, कि प्रोसीजर क्या है, कैसे यहाँ पे शादी की जाती है। तो एज पर सेक्शन 5 जो ये एक्ट है, इसका सेक्शन 5 के अंडर क्या बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है द पार्टीज ऑफ द मैरिज आर रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस इन राइटिंग। इसको देगा वो मैरिज ऑफिसर को देगा जो डिस्ट्रिक्ट का होगा, प्रॉपर तरीके से नोटिस लिखेगा, फिर बोलेगा हम शादी जो है वो कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट का मैरिज ऑफिसर होगा वहां पे दोनों पार्टीज जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करके देंगे। बिफोर द मैरिज इज सॉल्मनाइज्ड द पार्टीज एंड 3 विटनेस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 3 विटनेस भी होने चाहिए जो कि साइन करेंगे कि वो कंसेंट अपने देंगे, हाँ जी ये हम जो है वो विटनेस है, और इनको साइन जो है वो मैरिज ऑफिसर के सामने करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, और वो एक एसेंशियली प्रूफ ऑफ मैरिज का माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कुछ इस स्पेशल मैरिज एक्ट पे, कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके जो सेक्शन है जिसके ऊपर जो है वो काफी बवाल मचता है। क्या है वो सेक्शन, जैसे सेक्शन 6 है, इस पे क्या बोला गया है, ए ट्रू कॉपी ऑफ द नोटिस गिवन बाय द पार्टीज विल बी केप्ट अंडर द मैरिज नोटिस बुक, ठीक है। एक मैरिज नोटिस बुक में एक कॉपी जो है वो चिपका दी जाएगी और उसके बाद जो है वो पब्लिकली उसको रख दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिकली उसको छाप दिया जाएगा। फिर बोलेगा कि अगर किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी अगर इस मैरिज से, इस शादी से अगर कोई प्रॉब्लम है तो 30 दिनों के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर वो अपने जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो दर्ज करवा सकता है डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर के सामने। भाई एक तो परमिशन दे भी दी, उसके बाद जो उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया, उसके बाद बोला जाएगा, वो ये ऐसा नहीं होता है कि भाई आपकी शादी जो है हुई गई, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है लेकिन 30 डेज के लिए वो वैलिड रहता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है उनकी शादी से तो वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो दर्ज करवा सकता है। और फिर अगली सेक्शन नंबर 7 में क्या कहा गया है, उस पर यह बोला गया है कि पहले उनकी शादी नहीं करवाई जाएगी, क्या किया जाएगा, जिसको प्रॉब्लम है उनकी शादी से पहले तो उसका निपटारा किया जाएगा। सेक्शन 7 में यही कहा गया है कि पहले जिसको प्रॉब्लम है पहले उसका निपटारा करो और उसके बाद जो है वो शादी जो है वो करवाई जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा बवाल जो था वो मचा हुआ था कि भाई ऐसा क्या है, पहले तो कंसेंट दे दी गई कि मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद फिर आपने नोटिस बोर्ड में चिपका दिया, उसके बाद जो है वो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले उसके केस को सुनो, केस कब तक चलेगा, क्या पता तो शादी क्या होगी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इस पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म वगैरह हमें देखने को मिला जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन के बारे में बताओ, विद रेफरेंस टू द यक्षगान के बारे में यहाँ पे पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। इट इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका, द थीम ऑफ दिस डांस फॉर्म इंक्लूड्स रामायण एंड महाभारत। तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, बोथ सब जो है वो हाँ आंसर करेंगे, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, एनजीटी के बारे में पूछा गया है विद रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि 10 में आया था। द चेयरपर्सन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओनली वन, बताओ, फर्स्ट, ओनली वन, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ सीजीआई, ठीक है, तो कंसल्ट करते हैं दोनों, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, 1 स्टेटमेंट, और जिनका सही है तो बहुत अच्छी बात है। फाइंडर के बारे में पूछा गया है कि फाइंडर डिवाइस विच
वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किसने डेवलप किया है फाइंडर डिवाइस को? नासा। ठीक है, चलो नासा की फुल फॉर्म ही बता दो जल्दी से। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और कोई? ठीक है अभी का, ठीक है नेशनल जो एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है एजेंसी नहीं है ये, एडमिनिस्ट्रेशन है। चलो फाइंडर डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। विद रेफरेंस ऑफ संगीत नाटक एकेडमी के बारे में बोला गया है, इट इज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट विच प्रमोट्स म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, इट वर्क्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बोथ। बताओ बताओ, हाँ जी तो ओनली नहीं ये है इसका टू, दोनों ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही ये काम करती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। वायुलिंक प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, इट इज डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड सिक्योर एंड अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन विद द बेस स्टेशन, और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही है? फर्स्ट। बताओ बताओ। वन ओनली। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, क्योंकि इसको किसने डेवलप किया है? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने इसको डेवलप किया है। अगला है क्वेश्चन इंडियन पेंगोलिन के बारे में, तो स्टेटमेंट दी गई है, करंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पेंगोलिन इज लिमिटेड ओनली टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? Neither one nor two। और बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में नहीं, और भी जगह पाए जाते हैं ठीक है, और ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है, वल्नरेबल लिस्ट में नहीं है ठीक है। तो ये कोई भी स्टेटमेंट इसकी सही नहीं है, तो इसका मतलब नीदर वन एंड नॉट टू ठीक है। ये देखो शिंकुला टनल के बारे में पूछा गया है कि ये कौन से यूटी और स्टेट के अंदर है? बताओ। लद्दाख के अंदर ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में? लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर NEFT के बारे में, तो कौन से स्टेटमेंट सही है? ट्रांजेक्शन मेड थ्रू NEFT टेक प्लेस इन रियल टाइम विदाउट एनी डिले, मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर NEFT इज दी टू वन ओनली। सर नीदर वन ओनली। हाँ डी ऑप्शन ठीक है, नहीं है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट इसकी सही नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट किसकी सही है, जो RTGS की है ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की अगर बात की होती तब ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही होती ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होता है ठीक है, तो क्लास भी आपकी यहाँ पे खत्म होती है।